दम् पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते देवमात्मबुद्ध्यप्रकाशम् मोमुक्षोर्वैशरणमहं प्रपद्य न्मा यस्य मयतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञरा तेने ब्रह्म आदिकवये मुहन्ति यत्सुरय ते जो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहगं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिह तापत् त्रयविना शय श्रीकृष्णाय भयं नमः श्रीकृष्णाय भयं नमः शन्ति हरि ओम हरिओम भक्त जन भगवान के अनुग्रह से हम सब भागवत के अंतर्गत भगवान कपिल और देवहूति के संवाद को श्रवण कर रहे हैं जो कि कपिल गीता के नाम से भी प्रख्यात है भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को उपदेश दे रहे हैं कि मां सत्पुरुषों के संग करो भगवत भक्तजन यह बारंबार हम लोगों को सुनना भी पड़ता है आप सुनते भी होंगे सत्संग के द्वारा ही मनुष्य के अंदर हमारे अंदर विवेक ज्ञान का जागृत होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है संसार में संसार को लेकर के हम विचार करते ही हैं परंतु उस अच्छे बुरे का दायरा यह संसार ही होता है क्या खाना चाहिए ये नहीं खाओ ये शरीर के लिए हानि है तो वो खाओ परंतु ये संसार ये जगत और ये जगदीश्वर इस जगत के अंदर एक जगदीश्वर है जो सत्य है जो आपके हमारे आत्मा है जो हमारे परम प्रियतम है जो हमारे सुख दुख में खड़े हैं जो हमारे प्रत्येक जरूरत को देते हैं जो हमारे अनजाने में भी हमारे साथ रहते हैं जन्म के पहले से जिन्होंने सारी व्यवस्था प्रबंधन किया है आने वाले दिन में भी वही करने वाले हैं, करते हैं आज भी वही किया वो जो परमात्मा उनके साथ उनके परिचय सत्संग के अलावा कहां आपको मिल सकता है इसलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल मां को कहते मां श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो जागतिक प्राकृत सांसारिक लोगों के विषय वासना वासित व्यक्तियों के संग करोगे तो विषय की ही वासना संस्कार पड़ता रहेगा वैराग्य युक्त भक्त प्रभु प्रेमी संतों का संग करोगे तो प्रभु प्रेम हृदय में प्रतिष्ठित होगा संसार से वैराग्य पाने की एक चेष्ट एक ललक जागृत हो सकता है इसलिए मां सत्पुरुषों का संग करो और मिथ्या जो अभिमान मान करके हम बैठे हैं इस अभिमान को त्याग करो सत्पुरुषों का संग करो और महापुरुषों का संग के साथ साथ अपने अभिमान को विसर्जित करो त्याग करो इसी से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है मां और इतने करने के बाद जब श्रवण होगा भागवती कथा का श्रवण करोगे तो हृदय में भक्ति भाव का जागरण होगा इसीलिए भगवत भक्तजन भागवत की बात विलक्षण है भगवान कहते हैं कि देखो भाई सभी प्राणियों के आत्मा के रूप में मैं ही बैठा हूं कल हम लोगों ने श्रवण किया सभी के हृदय में मैं ही बैठा हूं इसलिए किसी को अथवा किसी प्राणी को अगर तुम तिरस्कार करते हो और मेरी पूजा तुम रचाते हो मेरी पूजा करते हो विग्रह की पूजा करते हो और सचल विग्रहों की अवज्ञा करते हो तो ये तो केवल मात्र बिड़म बना है भगवत भक्तजन भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं ये केवल मात्र विडंबना है ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि भगवान क्या कह रहे हैं अहम सर्वेशु भूतात्मा भूतात्मावस्थित सदा मैं भूतात्मा को भूतात्मा के रूप में सर्वत्र स्थित हूँ तम अवज्ञ मर्त्य इस सचल विग्रहों में अगर अवज्ञा कोई करता है बिडम बना इस सचल विग्रहों में अवज्ञा करके अवहेलना करके मूर्तियों में जो पूजा करते हैं वो तो बिड़म बना मात्र है इसलिए भगवत भक्तजन प्रत्येक प्राणियों के हृदय में जो परमात्मा निवास कर रहे हैं आत्मा के रूप में जो बैठे हैं उसको आदर करो उसकी पूजा करो भगवान श्री कृष्ण जी में भी बताया यत प्रवृत्तिर्भूता स्वर्मणाभ्यरच सिद्धि बिंदति मानव जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति है किसी भी चीटी से लेकर कोई कोई भी प्राणी जो प्रवृत्ति हो रहे वो प्रवृत्ति के मूल में कौन शक्ति मौजूद है ये न सर्वमिदम ततम वो जो कर्म चेष्टा है वो उस चेष्टा के मूल में जो शक्ति मौजूद है उस शक्ति की और शक्ति की पूजा करो कैसे पूजा करे उपचार क्या है स्वकर्मणाभ्य सिद्धि बिंदति मानव अपने कर्म के द्वारा ही उस परमात्मा को अर्चना करो और उसी से तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो इसलिए भगवत भक्तजन प्रत्येक के हृदय में चाहे चिटी हो चाहे जंतु हो चाहे जीव हो मनुष्य हो प्रत्येक के जो चेष्टा है हलचल है उसके मूल में कौन है भाई उस चैतन्य शक्ति वो कॉन्सियसनेस वो कृष्ण वही तो है दृष्टि कितना स्वच्छ हो जाती इसलिए भगवत भक्तजन भागवत के भगवान कपिल के इस आदेश को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यदि भूतात्मा के रूप में निवासी घटघटवासी उनको अवज्ञा करके मूर्ति में अर्चा करते हैं वो विडंबना मात्र है हवन करने बैठे हैं जब तक अग्नि प्रज्वलित है उसमें आप घृता होती दो तो अग्नि और प्रकट होगा प्रज्वलित होगा परंतु अग्नि अगर शांत हो जाए निर्वापित हो जाए भस्म हो जाए उसमें घी डालो तो अग्नि और प्रकट नहीं हो सकती इसी प्रकार जो सचल में अवज्ञा करते हैं परमात्मा को और अचल में बड़ा भक्ति लगाता है भक्ति जगता है भक्ति जगी तो महाराज विडंबना मात्र ध्यान देना चाहिए प्रत्येक के अंदर वो परमात्मा है मैं आज वही विचार कर रहा था कितनी स्वच्छता कितनी दृष्टि की निर्मलता है कि प्रत्येक के अंदर मैं उनको देख रहा हूं अधिकतर समय अज्ञान के कारण हम अन्य को मूल्य ही देना नहीं चाहते अरे मेरे सामने क्या है अरे मनुष्य को तो जाने दो चीटी कीड़े मकोड़े इनको देखो इनकी जो अपने हिसाब से जो उनकी प्रवृत्ति है इनका भी आपकी तरह है संसार है चेष्टा है इच्छा है भूख प्यास है कौन है जिसके कारण इनकी जिंदगी चल रही है वो चैतन्य जो आपके अंदर है जो हमारे अंदर है, वही उस चिट्ठी के अंदर वही उस हाथी के अंदर वही उस भिखारी के अंदर वही उस पंडित के अंदर वही उस ब्राह्मण के अंदर है उसको ध्यान में रखो वो कथा नामदेव जी की आप जानते हैं काशी से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे उनके साथ पूरे मंडली महाराज और वो भी कीर्तन करते हुए राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण हरि राम और महाराज वाराणसी काशी से पानी उठाया और वो पानी ले करके जा रहे रामेश्वरम सब लोगों के मन में तमन्ना है कि यही पानी भगवान रामेश्वरम का अभिषेक होगा परंतु मंदिर पहुंचने के कुछ देर पहले रस्ते में एक गधा पड़ा था और छटपटा रहा था प्यास के कारण संगत में कोई पानी नहीं दिया सब लोगों ने अरे भाई कैसे दे बात भी सही है कि ये पानी इतना मटका में इतना छोटा सा पात्र में मैं गंगा जल काशी से ले आया रामेश्वरम भगवान को अर्पण करूंगा अभिषेक करवाऊंगा ये कैसे मैं दे दू साथियों ने कोई नहीं दिया पीछे रामदेव धीरे धीरे चल रहे थे रामदेव जब उस गधा के पास आया पता लगा कि गधा जो है छटपटा रहे रामदेव जी देखते हैं अरे नामदेव नामदेव देख रहे हैं ओह प्यास से तड़प रहे नामदेव अपने छोटे से मटके में पानी उसको उठाया लोटा और वो पानी जितने पानी उस वो भगवान रामेश्वरम को स्मरण करके उस गधे को पिला दिए सब लोगों ने चित्कार किया है हाँ, क्या कर रहे हो पागल हो गए हो नामदेव ने भगवान रामेश्वरम को शरण किया और उस गधे के मुंह में प्यासे के मुंह में पानी डाल दिया भगवान रामेश्वरम वहीं प्रकट हो गए इसलिए भगवत भक्तजन ये जो रामेश्वर भगवान केवल उस मंदिर में उस मूर्ति में नहीं ये जो वो चैतन्य वो जो गधे के अंदर जो प्यासा है जो भूखा है जो प्यासा है उसके अंदर भी वो है उसको तो देखो आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं और आपके सामने आकर के कोई शीशे को टक टक आवाज किया आप थोड़ा देखे आप मोबाइल में बिजी थे थोड़ा मुंह उठाकर देखा कि एक बच्चा अच्छा सा इधर उधर गंदगी काला बाल ठीक नहीं है वस्त्र की ठीक वो आपकी तरफ हाथ फैलाया और आपको इशारा किया कि बहुत भूख लगी है कुछ दे तो आप देखते हैं कि क्या दू तो आप देखते हैं कि आपके पास बैग में बिस्किट है तो आप तुरंत शीशा को उतारा क्योंकि ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं अभी कब सिग्नल चालू हो जाएगा शीशे को उतारे और आपने बिस्किट का पैकेट निकाल करके उनको दिया छोटा सा बिस्किट का पैकेट वो बालक उस बिस्किट को पैकेट हाथ में लेकर के इतना प्रसन्न न हुए क्योंकि सचमुच उनके उसको भूख लगी थी और आपकी ओर देख करके हंसा मुस्कुराया बताइए आपको क्या फील होगा कैसा लगेगा मुझे तो लगता है भगवान के सोड़ा उपचार से उपचारों के द्वारा आप सामग्री तैयार करके भगवान के पास बैठे बैठे आनंद होगा परंतु वो जो बालक के चेहरे में जो मुस्कान है उनके भूख में जो आपने थोड़ा चार बिस्किट दे पाए हैं इसके तजन्य जो उसके अंदर एक आनंद है वो तृप्ति उसको देख करके आपके मन में जो प्रसन्नता है वो उस सोड़स प्रचार के आयोजन से भी नहीं मिल सकता है इसीलिए देखिए भागवत की कथा है अगर ऐसे कोई करता है तो वो मेरे ही अर्चना करते हैं इसलिए भगवत भक्तजन भगवान की आराधना को अगर सत्य अर्थ में आप करना चाहते तो प्रत्येक के अंदर मौजूद उस पर ब्रह्म परमात्मा को आपके भगवान को देखो इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान रखना चाहिए किसी को भी अगर कष्ट दे रहे हैं तो वो भी ईश्वर को ही मिल रहा है किसी के प्रति अगर द्वेष है तो वो द्वेष के कारण ही आप कष्ट पा रहे हैं यहां लिखते है किसी के किसी के प्रति आपके द्वेष है चाहे मच्छर हो बिच्छू हो चीटी हो सांप हो किसी के प्रति भी आपका द्वेष है तो वो द्वेष कहां रहेगा आपके हृदय में आपके पास ना है चिटी के लिए सांप के लिए अन्य के लिए वो महाराज आप जिससे द्वेष कर रहे उसके हृदय में नहीं रहेगा आपसे मैं विद्वेष करता हूं द्वेष करता हूं तो ये द्वेष कहां रहेगा आपके पास रहेगा कि मेरे पास रहेगा मैं ही जब कर रहा हूं मेरे हृदय में रहेगा तो भाई वो जो द्वेष रहेगा वो तो आपके हृदय में अथवा बिच्छू के हृदय में नहीं वो तो हमारे हृदय में रहेगा अब जब हमारे ही हृदय में द्वेष बैठे रहेगा तो मुझे शांति कैसी मिलेगी महाराज इसलिए अन्य से जब आप हिंसा करते हैं द्वेष करते हैं तो वो द्वेष आपके ही अंदर मौजूद होता है और द्वेष जहाँ मौजूद है वो व्यक्ति जिनके चित्त में द्वेष भरा है उनके चित्त में द्वेष होने के कारण वो शांति को सुख को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए भगवत भक्तजन द्वेष को बैठने ना दो भक्ति के द्वारा भगवान के प्रेम के द्वारा अमृत जीवन बनाओ इसलिए भगवान कहते हैं हमें चाहे सौ मन का लड्डू दे दो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं अगर भगवान ये प्रत्येक के प्रति तुम्हारा प्रेम का विस्तार हो जाए उससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में ईश्वर तत्व को आप कैसे देख रहे केवल केवल मंदिर में के मूर्तियों में केवल जड़ में नहीं प्रत्येक में देखो वो चैतन्य एक चित सत्ता है जो सबके अंदर तत्द रूप में रहकर के वो मौजूद है उसको खिला रहे पिला रहे उनके चेष्टा के मूल में वो है इसलिए भगवत भक्तजन सेवा कार्य बड़ा कठिन होता है सेवा में अगर सत्य रूप से उस परमात्मा का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, तो सेवा संभव नहीं है इसलिए भगवान ऐसे गरीब नहीं है कि आप भगवान के पास जा कर के करोड़ों की संपत्ति डालो दक्षिणा भर भर के दो वो खुश नहीं सेवा के द्वारा आपके चित्त में वो भाव की मेरे अंदर वो भाव प्रकट हो कि प्रत्येक के अंदर वो मौजूद है मैं किसी को अगर थोड़ा पानी भी दे रहा हूं मैं किसी को अगर थोड़ा वस्त्र भी दे रहा हूं मैं किसी को अगर थोड़ा धन भी दे रहा हूं उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ दे रहा हूं तो वो सीधे परमात्मा के पास जा रहे हैं ये भी करो वो भी करो मूर्ति में भी पूजा करो और आपको मन में ये भी रखा है कि यही मूर्ति वहां भी है चल रहे बोल रहे देख रहे खा रहे पी रहे उनको भी थोड़ा ख्याल करो इसलिए भगवान कपिल कहते हैं मां तिरस्कार किसी को न करो तिरस्कार की भावना किसी के प्रति न रखो जितना जितना हमारे चित्त में अभिमान का भाव बढ़ता है अभिमान होता है उतना ही तिरस्कार हमारे आचरण के द्वारा हमारे शब्द में हमारे बॉडी लैंग्वेज में व्यक्त होता है इसलिए तिरस्कार आप किसको कर रहे हैं सामने जो देख रहे हैं आपके सेवक के रूप में मौजूद है गरीब है लाचार है शायद परिस्थिति परवश होकर के आपके अधीन है उसको नहीं उसके अंदर उस अंतरयामी को देखो जो आपके अंदर है वो भी ओ उन्हीं के अंदर वही ही है बाहरी ऊपर से आप कुछ भी आवरण को देखो उससे मतलब नहीं मत उसके अंदर जो भूख प्यास जो आपको अच्छा लगता वो भी उनके अंदर मौजूद है उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखो कौन है तिरस्कार आप किसको कर रहे हैं तिरस्कार किसी को ना करो माँ को भगवान कपिल कह रहे हैं इसलिए माँ एक जगह तो तुम मेरे पूजा करती हो और एक जगह मेरे अपमान करती हो अवज्ञा करती हो ऐसे तो मैं पूजा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ इसलिए मनुष्यों के मूर्ति की पूजा तभी तक सफल तभी तक करना चाहिए जब तक इस सचल विग्रहों में सर्वत्र उस ईश्वर दर्शन ना कर सके अर्थात प्रतिदिन आप मंदिर जाइए मंदिर में दर्शन कीजिए आपके गृह देवालय में भगवान का पूजन कीजिए परंतु तो आपका अभ्यास हो कि मैं सर्वत्र उस पर ब्रह्म परमा मेरे ही इष्ट सर्वत्र मौजूद है मैं किसी को अगर पूजा करके प्रसाद दे रहा हूं तो बस वो प्रसाद भी मैं किसको दे मेरे ही आराध्य को दे रहा किसी भूखे को किसी प्यासे को किसी जरूरतमंदों को अगर कुछ आप दे रहे हैं तो आप ऐसा ना करो एहसान नहीं कि मैं उनके ऊपर एहसान किया मैं उनके उपकार के नहीं मेरे भगवान ने मेरे को कृपा की कि एक उनके विग्रह को मैंने कुछ कर पाया दे पाया ये उनकी तरफ से एक अनुग्रह है इसलिए भगवत भक्त जन भगवान कपिल मां को कहते मां तिरस्कार किसी को ना करो देखो बिरला के मंदिर जाते हैं लाला बाबू के मंदिर वृंदावन में जाते हैं कितना प्रसिद्ध है बिरला मंदिर तो सब जगह है भारत में बिरला जी जहाँ जहाँ मंदिर बनाए हमारे काशी में भी है काशी बी एच यू में बिरला मंदिर बिरला जी प्रतिष्ठित किया है तो बिरला मंदिर और कितने फेमस है कितने लोग देखने जाते हैं परंतु कभी भी आपने इस देह के इस शरीर के रचने वाला को ख्याल किया वो तो लाला बाबू का मंदिर है वो तो विश्वनाथ मंदिर है वो तो बिरला जी के मंदिर है अरे बिरला जी ने तो शिव जी को प्रतिष्ठित किया परंतु इस देह रूपी देवालय को किसने प्रतिष्ठित किया कौन है इस देवालय में भगवान के द्वारा बनाया गया इस देहरूपी आलय को देवालय को जरा देखो और उस देवालय में उस पर ब्रह्म परमात्मा को आपके इष्ट को अनुभव करो कि कितने मंदिर चल रहे हैं कितने विग्रह देखो और वो बहुत सजग है आपके प्रत्येक भाव आपके प्रत्येक चेष्टा को वो एक्सेप्ट करते हैं उसको देखो इसलिए भगवत भक्त जन मनुष्य जो मंदिर बनाता है उसका तो हम बड़ा धूमधाम से पूजा अर्चन करते हैं परंतु ईश्वर के द्वारा बनाया गया मंदिर को हम अवज्ञा करते हैं अथमा सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं भगवान बोल रहे मां सभी भूतों में भूतात्मा के रूप में ये आलय मैंने बनाया आ रहा ये इसकी अर्चना करो आर ये इसी की पूजा करो मां क्या पूजा करे दान मानाभ्यम मैत्राभिन्न चक्षुषा तीन बात पहली बात की अभिन्न दृष्टि ज्ञान हो मैत्री भाव हो सत्कार पूर्वक हो और वस्तु दान हो इसी के द्वारा इसकी अर्चना करो कृतालय जो है मेरे मेरी द्वारा बनाया गया इस देवालय कृतालय को अरहयेत पूजा करो कैसे पूजा कर दान मानाभ्यम मैत्राभिन्न चक्षुषा दान करो मान दो मित्रता के रूप में वरण करो और अभिन्न रूप से चिंतन करो इसी से ईश्वर की पूजा हो जाएगी भगवत भक्त जन इसलिए भगवान पूजा भगवान की अगर आप पूजा करनी चाहते हैं भगवान की अगर पूजा करनी हो तो इस प्रकार करनी चाहिए और महाराज मनुष्य जब जब आप सबके अंदर उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखते हैं तो आपको क्या फायदा होगा निर्भयम जाति वो निर्भय हो जाता है देखो निर्भय होने के लिए सर्वत्र वो जो अनुष्युत परमात्मा है उसको देखो उसकी सेवा करो अर्चना करो इसलिए संपूर्ण प्राणियों के भीतर जो भगवान मौजूद है उसको देखो भगवान के भगवान कपिल कह रहे हैं फिर आगे जाकर के बतलाते हैं मां मन सही तानी भूतानी प्रणम प्रण बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति मां सबके सामने सिर झुका झुका करके प्रणाम करो सभी प्राणियों के भीतर जीव रूप में मैं ही मौजूद हूं मां सबको सिर झुका झुका करके प्रणाम करो मन सैता भूतानी प्रणमेद बहु प्रणमेद विधि दे रहे। प्रणाम करो मां प्रणाम करो ईश्वरो जीव कलया ईश्वर ही जीव के रूप धारण करके मौजूद है मां प्रविष्टो भगवानी थी प्रविष्ट किया हुआ है प्रवेश किया हुआ है भगवान उस उनको प्रणाम करो इसलिए भगवत भक्तजन एक छोटा सा दीपक आप जला रहे हैं एक लकड़ी के टुकड़े को जला करके आप दे रहे हैं ये सब में भगवान है छोटे से दीपक को जब आप जला रहे हैं जो तुलसी वृक्ष के सामने रखने के लिए आप ले जा रहे हैं, तो आप क्या वो बेष्टि जो बड़ा ज्योत है भगवान के उसी ज्योत का एक छोटा सा हिस्सा है कितने सजगता के साथ और विश्वास के साथ कि मैं ले जा रहा हूँ प्रणाम करो ठीक उसी प्रकार एक विश्व चैतन्य के साथ विशाल विश्व रूप परमात्मा का ही छोटा सा विग्रह ये शरीर और इसके अंदर मौजूद जो मैं मैं करने वाला है उसको देखो और कहते प्रणमे प्रणाम करो माँ इसको प्रणाम करो सबको प्रणाम करो इसीलिए प्रणमेत प्रणाम भी कैसे करे प्रणाम तो महाराज भागवत में आया है दंडवत प्रणाम करो ग्यारहवें स्कंद में आया है विसृज्य स्वयं दृशम व्रीणा च दी किम प्रणमे दंडवत भूमौ अश्वचंड गोचरान प्रणमित प्रणाम करो किसको दंडवत प्रणमित आचरित प्रणमित दंडवत किसको किसको प्रणाम करे कहते भई कुत्ते को भी प्रणाम करो चांडाल को भी प्रणाम करो बैल को भी प्रणाम करो गधे को भी प्रणाम करो यह समझ करके करो कि इसके भीतर भी वही पर ईश्वर है परमात्मा है इसीलिए जो हमारे भारतीय परंपरा में पूजन पद्धति में जीव जंतु जल वृक्ष ये सब है इसके कॉन्सेप्ट के मूल में एक है कि एक सत्ता सर्वत्र है उसको देखो उसको देखो वो जल नहीं है वो चेतन है तत्व है उसको देखो इसलिए भगवत भक्त जन यहां बोल रहे हैं प्रणमे दंडवत भूमौ दंडवत प्रणाम करो किसको किसको अश्वान स्वान कुत्ते को चंडाल को बैल को गधे को ये समझ करके करो कि प्रत्येक के अंदर वही आराध्य मौजूद है कितना भावों की शुद्धि देखो अशुद्धि के कारण हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और शुद्धि होते 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 देखो इतना प्योर इतना प्योर कि सब में उस पर ब्रह्म परमात्मा के अर्चन करते हैं और उसी से उसका लाभ क्या हो निर्भय हो जाता है इस प्रकार कपिल भगवान कपिल भक्ति योग का वर्णन करके बताया कि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है मां सभी देश सभी काल सभी वस्तुओं में उप वो परमात्मा ही प्रविष्ट है प्रवेश किया हुआ है उनमें न तो राग है न कोई द्वेष है इसलिए मां उस पर ब्रह्म परमात्मा को सब में देखो भगवान कपिल फिर आगे कह रहे हैं कि मां इतना होने पर भी संसार के जीव संसार के मनुष्य भगवान के इस महिमा को नहीं समझ पाते हम सब देखते हैं देखिए हवा बादल को उड़ा करके ले जा रहे हैं हम कहते भी हैं कि हवा ने बादल को उड़ा लिया परंतु तो हवा के अंदर जो वो शक्ति है उस शक्ति को आपने कभी ख्याल किया उसी प्रकार प्रत्येक चेष्टा को हम देखते हैं ये किया वो किया वो किया परंतु उसके अंदर भी वो एक शक्ति मौजूद है जो हमारे अंदर है उसको आप देख पाए हम तो केवल वस्तुओं को संग्रह करते हैं और सुख के पीछे सुख को पाने के लिए केवल भटकते हैं परंतु अमुक वस्तु मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा अमुक वस्तु मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा नारायण सुख ना तो धन में है सुख ना तो सम्मान में है सुख ना तो मकान में है और सुख ना तो पुत्र पौत्र आदि में है सुख तो सुख स्वरूप परमात्मा आपके हृदय में है और जितना जितना मनुष्य उस परमात्मा के सन्निकट पहुँचते हैं उतना ही वो परम शांति परम आनंद का अनुभव करते हैं इस प्रकार से मनुष्य जिसके लिए शोक करता है भगवान उसको धून देते हैं धो देते हैं क्या लिखते हैं देखिए मनुष्य परिश्रम करके संसार में सुख पाने के लिए क्या क्या करते हैं परंतु मनुष्य को पता ही नहीं कि सब के मूल में वो ईश्वर है परमात्मा है यम यम उपादत्ते दुख न सुखेतवेश तम तम धुनोति भगवान्माजोचती यम यम अर्थम उपादत्ते दुखे जिस जिस विषय को बड़ा ही परिश्रम करके वो संग्रह करता है मनुष्य और बड़ा दुख उठाता है वो सुख पाने के लिए बड़ा ही दुख मोल लेता है और महाराज उसको वो प्राप्त भी कर लेते परंतु तम तम धुनोति भगवान और वही सब महाराज भगवान सब ले लेते हैं विषयों को धुनो ती मत मतलब ध्वंस कर देते आपने जितना कुछ संग्रह किया इकट्ठा किया यही मन की इच्छा कि सुखी रहूंगा सुखी होऊंगा परंतु भगवान अगर नहीं चाहा तो उसको आप रख नहीं सकते ऐसा एक चीज आपके पास है जो रह गया हो धन भी नहीं रहेगा जन भी नहीं रहेगा बल भी नहीं रहेगा महाराज भागवत में कह रहे हैं तम तम धुनोति ती भगवान पुमान ज्योक्षत इसलिए जब वो चला जाता है खत्म हो जाता है तो वो पुनः वो शोक में संतप्त हो जाता है इसलिए मां इतना ध्यान रखना देखिए ना शोक करना क्यों करते हैं क्योंकि अपना मान बैठा है और भगवान उसको ले लेते हैं तो शोक में हम डूब जाते हैं अगर इतना ख्याल हो कि मरने वाले को कि यह शरीर ना जाएगा तो वो उतना नहीं चिपकेगा और खास करके आजकल इस 2020 में तो हम लोग बहुत ही सजगता के साथ अनुभव किए हैं ये जो कोविड 19 का प्रकोप अभी भी है लगभग लगभग आठ नौ महीना होने जा रहे आने वाले कुछ महीने और चलेगा कितने राजा फकीर उजीर सब गए महाराज कोई धन कोई वैभव कोई पैसा किसी को रोक नहीं पाया अगर जिसको जाना है वो तो महाराज गया झोपड़ी वाले में भी गया झोपड़ी में भी और राजघराने में भी गया इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो तम तम धुनो होती अगर बहुत ज्यादा आप संसार के विषयों को व्यक्तियों को वस्तु को पकड़ करके सुखी होना चा, चाहते हैं तो भगवान उसको खत्म कर देते हैं इसलिए बहुत ज्यादा लगाव नहीं प्रायोरिटी नहीं हाँ जितने दिन है जितने दिन रहेगा रहेगा परंतु वो जाने वाला है इतना अगर निश्चय हो जाए मैं इस शरीर को लेकर कितना चेष्टा कर रहा हूं लेकिन शरीर भी जाने वाला है देहस्य से दुर्मति ध्रुवाणी मनते मोहात गृह क्षेत्र वसूनिच हेमा युवाणी देहस्य जो अध्रुव है जो नहीं रहने वाला है उसी को लेकर के सब महाराज पड़े हैं और उसी में मोह ग्रस्त होकर के उस अंधकार में वो पड़ा रहता है और इसी अंधकार इस मोह के कारण ही जंतर वहीं एतस्मिन याम, याम योनिम अनुब्रजेत और इसीलिए संसार में जीव जो है जिस जिस योनि में वो घूमता है भ्रमण करता है उस उस जगह पर वो मग्न हो जाता है वहीं घर बसा लेता है वहीं मैं मेरा तय ते, तू तेरा ऐसा होने लगता है मेरा तेरा आप क्या समझते हैं कि आपके परिवार में आप ही मैं मेरा करते हैं वो सुअर जो है ना जिसके इतने सारे बच्चे हैं को लेकर घूम वो भी उनके अंदर भी बड़ा अहंकार है मेरा परिवार मैं भी कुलीन हूं मैं भी कुछ कर सकता हूं तो उसमें भी देखो वही मोह है पुत्र संतान के प्रति वही चाह है वही लगाव है और आपके अंदर भी वही लगाव वही चाह वही ममता है दुखी होना ही पड़ेगा इसीलिए मां और बार बार जोनी में हम बार बार इस मृत्यु संसार में आना पड़ता है इसीलिए माँ सत्संग रो तो मत्यो वृद्ध सेवा परिच्युत मनाध्य दुखारत कुटुम्बास मानस मां इसलिए वो ममता सत्य जीव नरक में जाता है पुनः संसार में आते हैं लेकिन अगर सत्संग मनुष्य के पास हो सत्संग तो उससे वो बच सकता है और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वृद्धों के प्रति आदर भाव नहीं है और महाराज मेरे अर्चना पूजा नहीं करते हैं वो दुख संसार में डूबा हुआ रहता है और महाराज कुटुंब में सगे संबंधियों में आसक्त चित्त हो करके मृत्यु के कराल गाल में प्रवेश करता है सत्संग रहित तो। जिसके पास सत्संग नहीं है मर्त्यो ये मनुष्य को कह रहे हैं मर्त्यो हो सत्संग रहित तो। वृद्ध सेवा परिच्युत वृद्धों को बुजुर्गों की सेवा जो नहीं करते हैं दुखार्थ मेरे आराधना जो नहीं करते हैं ऐसा जो दुखी व्यक्ति है कुटुम्बास मानस ऐसा ही कुटुंब आ सगे संबंधियों की सेवा पूजा में ही महाराज वो लगा रहता है ध्यान से सुनना चाहिए भैया हम क्या कर रहे हैं कहाँ हमारी गति होने वाला गृह सुकूट धर्मेशंत्र स्वतंत्रता कुवंतु दुख प्रती सुख बन मनते गृह कहते देखो गृहस्थ लोग जो है मां धर्मी हो जाते हैं अर्थात कूट धर्मी मतलब देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है कहते है, पत्नी की बात माँ से नहीं कह सकते मां की बात पत्नी से नहीं कह सकते बेटे की बात भाई से नहीं कह सकते भाई की बात बेटों से नहीं कह सकते कैसे कूट धर्म कैसे चलाते हैं और महाराज इसके कारण क्या है दुखे सूत तंत्रित अनेक प्रकार के देखो घर में आए हैं कोई बंदा आकर के बस पत्नी की शिकायत कि माँ ने ये क्या माँ ने ये क्या आपके मम्मी ने ये क्या आपके मां ठीक है सज्जन अगर सजग है मां को कुछ नहीं बोलेगा मां है मेरी पत्नी को भी कुछ नहीं बोले कि पत्नी है मां ने मां के पास गए मां ठीक हो मां दो चार बात सुना दिए पत्नी के बारे में बहू के बारे में अब ये बात ले जाकर के पत्नी को नहीं कह सकते फिर तो लड़ाई इसीलिए कह कूट धर्मा कैसे बैलेंस करके इतने होने पर भी मारा दुख तंत्र स्वतंत्रित फिर भी वो दुख में ही पड़ा रहता है कितना भी कौशल करो संसार में हो संसार के व्यवहार में हो तो दुख तो लेना ही पड़ेगा दुखालयम अशाश्वतम भगवान श्री कृष्ण का ये दुखों का आलय है सुख मिलेगा का ये जो सुख सुखी 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 आप सोचे ये आपकी भ्रम है और पर ब्रह्म के अनादर है और इसीलिए कहते गुरु बंतु दुख प्रतिकारम सुख बन मन गृह और वो चेष्टा करते रहते कि दुख को दूर कर दो दु, दुख दूर हो जाए और सुख पूर्वक मैं जीवित रहूं आनंद से गृह में रहूं ये कूट धर्म पाद तिर गुर तदस्तान पोषण शेष भूक याद गुरुवा लोग बड़ी हिंसा करके दूसरों को कष्ट दे करके दूसरों से लूट करके मीठी मीठी बात करके कहते हैं महाराज पैसा इकट्ठा करते हैं। देखो कितना सजग अर्थादित गुरुआ हिंसय ततानी पोषण शेष भुक या त्यध स्वयं ये जो आ हम पैसा इकट्ठा करते हैं इसके लिए क्या क्या तरकीब करना पड़ता है झूठ को सच सच को झूठ बात घुमा घुमा करके किसी भी तरह ऐंठ लेना हा? आप देखो ये झूठ बोल करके सौदा तो कर लिया आपने माल तो इकट्ठा कर लिया है तुम्हारा तो ये पैसा तो आपने इकट्ठा कर लिया परंतु इस पैसा से तो महाराज पैसा रहेगा अर्थ बोलते हैं ना अर्थ शब्द का अर्थ है करते आप लोग अर्थते इति अर्थ जिससे कुछ प्राप्त होता है प्रार्थ, प्रार्थ्यते जिससे कुछ मिलता है परंतु और एक अर्थ है अर्थ शब्द री धातु से बना री धातु का अर्थ है जो चला जाएगा अर्थते अर्थ जिससे कुछ मिलेगा और अर्थ में री धातु से बना री धातु का अर्थ हो गया जो चला जाएगा इसलिए महाराज उसका नाम अर्थ है जो चला जाएगा आज तक अर्थ रहा नहीं अर्थ का स्वरूप ही है चले जाना इसलिए इसको आप कितना घर में संभाल के रखोगे वो रहने वाला नहीं है इतने होने पर भी महाराज मनुष्य के मन में वैराग्य नहीं जगता तत्राप्य जात निर्वेदो म्रियमान स्वयंभूत जर योत्पात्य वैराग्य मरण हो गृह वो मरण उन्मुख हो जाते हैं वो गृह में पैसा नहीं रहता है रहने वाला उनका स्वभाव नहीं है कूट धर्म के द्वारा पैसा इकट्ठा करते हैं सुखी होने के लिए सुख मिलता नहीं है इतना होने पर भी इतना ताप को सहन कर लेते हैं फिर भी वैराग्य नहीं होता है मां तत्राप्य जात निर्वेदो मियमान स्वयं व्रत जरयो पात रूप्यो मरणाभिमुख हो गृह धीरे 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 वैराग्य तो होता नहीं और महाराज धीरे धीरे वो मरण उन्मुख हो जाता है मृत्यु की ओर पहुंचता है इसलिए भगवत भक्तजन इतना देख कर के लगता है कि अपना ही कथा जो है माँ को कैसे समझा रहे मृत्यु के सन्मुख पहुंच जाते हैं तो मृत्यु के सन्मुख पहुंच गए तब मरना ही है कैसे मरेगा महाराज मरोगे तो आप देखो क्या मरते समय क्या होता है देख लो इतना होने पर भी महाराज भगवान कपिल के मां को मां संसार के प्रति आसक्ति जाती नहीं है इतना घात प्रतिघात अपने कल्पना और हकीकत को देख करके के अनुभव करके भी मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है कैसे वो जीता है अरे राम 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 सुन लो भाई इसको मैं सोच रहा था आप लोगों को ना सुना सुन लीजिए आस्ते अवमन्यस्त गृहपाल इहरन आमयाब्य प्रदीपताग्निर अल्पहारो अल्प चेष्ट धीरे धीरे वो बुढ़ा हो जाता है महाराज खकर, खकर 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 खासी और फिर क्या लिखते हैं देखो थोड़ा ज्यादा लिख दिया लगता है आप लोग नाराज मत होना होने पर भी सुनना पड़ेगा कुछ नहीं शास्त्र श्रवण कर रहे हैं ये ते संसार के प्रति अनासक्त तो है नहीं महाराज और घर में बाकी सब लोग अब पहले आपका चलता था अब बुढ़ा हो गया रिटायर्ड हो गया कमाने धमाने वाला नहीं रहा खर्चा ही खर्चा महाराज दवा के लाओ ये लाओ वो लाओ अब महाराज सब जो है दो टाइम खाना दे देते कैसे खाना देते हैं? यहाँ लिखते है? गृहपालित वत गृहपालित कुत्ते जैसे देती बताओ <laughs> यहाँ तो थोड़ा ज्यादा लिख दिया हुआ लगता है लेकिन देखो भाई थोड़ा अपना सब थोड़ा ध्यान रखना ध्यान से रखोगे तो फिर कष्ट नहीं होगा गृहपालित पशु के जैसा ही उसको दो दो टुकड़ा देते हैं और उसी से वो जीते रहते हैं और फिर भी महाराज तब भी वो वैराग्य नहीं आता और क्या है रोग अग्रस्त हो जाता है आमाया प्या प्रदीप अल्पहारो अल्प चेष्टित महाराज जो पहले प्रदीप्त अपनी जो भी खाता था वही पच जाता अभी तो इस इधर से इधर भी हो गया तो बीमार इसलिए अल्पहार रोग ग्रस्त हजार बीमार महाराज है ये करुणा ने आया तो क्या हुआ इसके पहले हम कितने लेकर के बैठे और अग्नि की मंदता के कारण पचता नहीं महाराज कितना भी अनुकूल भोजन हो पचेगा नहीं बुढ़ापे का और इसीलिए महाराज स्वल्प भोजन करते हैं शक्ति क्षीण हो जाते हैं और मरणोन्मुख अब बस उस समय आप तो भगवान बुला ले तो अबरे अब रे आप भगवान बुला ले तो क्या होगा पहले तो याद किया नहीं अब भगवान बुलाएगा तो अपने हिसाब से ही बुलाएगा आप भगवान बुला ले तो ठीक है अब तक देखो हम लोग उधर भी कितना स्वार्थी है जब तक हो सभा ठीक था शक्ति सामर्थ्य कमाने धमाने वाला था अपने ऑर्डर चलने वाला था तब तक भगवान को ही हम टक्कर देने वाले थे अब भगवान को ही सलाह दे तुम अभी ले लो अभी हम इधर से बेकार हो गए तुम अपना ले लो ऐसा इसीलिए नहीं होगा फिर कहते देखो वायुनोत्क्रम उत्ताम कफ नाड़ीना का श्वास कंठे घुर बताओ ये श्लोक बोलते बोलते मेरा ही कंठ घुरघुरा रखा <laughs> कहते हैं बुढ़ापे के कारण महाराज वायु नोत्क्रमाना श्वास महाराज ऊर्ध्व श्वास चल रहे जोर जोर से श्वास ले रहे फिर कहते हैं कफ संरुद्ध नाड़ीना और कफ से हमारा सारा भर गया महाराज सारा श्वास नहीं लिया जाता है पाम करके वृद्धों को क्लीन करते हैं कफ अब बताओ कफ पूरा बुक छाती में भरा हुआ है डॉक्टर ने कहा कि इतना कफ कैसे हो गया पाम करने पर भी पूरा नहीं निकल रहे है उनको कह रहे कि आप मैंने निकाल दिया थोड़ा है आप थोड़ा कोशिश करके निकालो आप मैं देखता हूं उससे कोशिश हो नहीं रहे भाई ये तो मैंने मेरा देखा हुआ है जैसे अभी गले में कुछ हो तो आप उसको करके खेच करके या निकाल सकते हो या निकाल सकते हो वृद्ध अवस्था में सामर्थ्य कितना क्षीण हो जाता है अपने ही कंठ में रुद्ध जो कफ है उसको आप खींच नहीं सकते खांसी नहीं दे सकते नाक में गंदगी जमा हुआ है आप उसको नाक को झाड़ नहीं सकते महाराज ये तो हमारी हालत है और फिर भी कैसे आशक्ति से जकड़ा हुआ ममता शक्ति से जकड़ा हुआ लिपटा हुआ अभी भी पड़ा है यही कह रहे कंठे घुर घुर आयते और कंठ में मधुम मतलब कफ जो है गरगर गरगर -गर करता रहता है सयानो परिशोचत भी परिवीत स्वबंधु भी बाच्य मानो पिना ब्रूते काल पाश महाराज वो पड़ा पड़ा सोया रहता है क्या करे यार। और महाराज केवल उतना ही नहीं पढ़ पढ़ करके वो जीता है और कोई स्वकुटंब आते भी है तो ज्यादा देर रुकता नहीं देख कर ठीक हो भाऊ जी ठीक हो हाँ ठीक बस चले गए आपके पास बैठ करके बात नहीं क्या बात करेंगे लिखते है बानो बाच, भी ब्रुत अगर आप बोलना चाहते तो नहीं बोलेगा टाइम नहीं है ना आपके पास काल पाशगतम बश धीरे 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 वो काल के पास में जा करके लिप्त होता है वो मृत्यु इसलिए मां एवं कुटुंब भरने व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय मृय तेदताम स्वाम उद नया इसलिए माँ ऐसे कुटुंब भरण में जो व्याप्त है अपना जिंदगी को खपा दिए महाराज और जिन्होंने इंद्रिय सुख को ही जीवन के मुख्य मान करके उसी में लगा रहा उसको तो रोना जरूरी है रोगा ही स्वानुम, स्वाण उदनाया इसलिए महाराज ऐसे वो रोता बिलकता ही वो जब तक श्वास है जब तक घट में आयु दे दिया उतना तो जीना ही पड़ेगा जमदूतो तथा प्राप्त होमो सरस भे तब तक महाराज जमदूत आ जाते हैं अब यमदूत आ गया तो क्या अच्छा घर वाले क्या करेंगे यमदूत आ जाए तो घर वाले बोलेगा कि नहीं कि रह जा रह जा रे मत लो कुछ लोग रोएगा कुछ लोग तो महाराज बोलेगा कि जल्दी जल्दी ले जाए बूढ़े बहुत दिन हो गया जाता भी नहीं है हाँ इसीलिए महाराज यमदूत तो, यमदूत आ गया घर वाले कुछ लोग घर के कुछ सदस्य आपको चाहते हैं तो आपको रोकना चाहते हैं कुछ लोग मन मन कह रहे कि बहुत सेवा कर दिया आप वो भी खुद ही कष्ट पा रहे जाए तो ठीक है और आपका क्या मन है मैं तो जाना नहीं चाहता आप बताओ वो हाल क्या होगा ऐसा होता है इसलिए माँ जीवन में भगवान के शरण में जाओ और भगवान को आत्म रूप से जान करके उसकी भजन करो ये है महाराज आज की कथा भगवान के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में एक वैराग्य हो और ईश्वर के प्रति हम अग्रसित हो सके हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत सच्चिदानंद भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय ओम शान्ते शान्तिः